जॉब कार्ड बनाए जा रहे हैं और इधर से ई श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं। इधर दंतोपर ठेगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आपको 250 रुपया दिया जा रहा है, ये जानकारी हमने दी है। मैं साथ से अनुरोध करूंगा कि आप सादर नामांकित है श्रीमान जस साहब। देखिए, ये जो है ना कैंप है, ये बेसिकली तीन योजनाओं के लिए लगाया जा रहा है। एक इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जैसे कि पंचायतों में जो नरेगा चलती थी जिसमें 100 दिन का गारंटेड रोजगार था, तो राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में नगर पालिका क्षेत्रों और नगर निगम क्षेत्र नगर परिषद क्षेत्रों में भी ये कर दिया है। तो आप इसमें शहरी रोजगार गारंटी योजना में अपना पंजीयन करा करके अपने वार्ड में, अपने वार्ड के आसपास के क्षेत्र में ही 100 दिन का वर्ष में गारंटेड रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इस 100 दिन अगर आप वर्ष में रोजगार प्राप्त कर लेते हैं, अगर आपको नहीं दे पाएगी तो भत्ते देगा। तो जैसा कि इसके नाम में गारंटी है, तो 100 दिन गारंटी से आपको काम देंगे या भत्ता देंगे। अगर आप 100 दिन काम कर लेते हैं तो आप निर्माण श्रमिक के रूप में भी पंजीकृत हो सकते हैं, और निर्माण श्रमिक के लिए हमारे पास बहुत सारी योजनाएं श्रम विभाग चला रहा है जिनका लाभ ले सकते हैं। एक, जैसे कि हमारे बहुत सारे लोग मजदूरी करते हैं, तो जैसे कारखानों में बड़े बड़े उनमें करते हैं, मिलों में वगैरह में, बड़े बड़े उद्योगों में, तो उनकी तो यूनियन होती है और वो संगठित क्षेत्र के श्रमिक कहलाते हैं। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, जैसे रोज कोई मजदूरी किसी मकान पर करने जाता है या कोई वैसा काम करता है, मिस्त्री का काम करता है, तो ऐसे जो लोग मजदूरी का काम करते हैं उनके लिए एक तो भारत सरकार के पास उनकी जानकारी आ जाए, उनकी डिटेल आ जाए, आर्थिक स्थिति क्या है, क्या डिटेल है। तो ये इसलिए ज़रूरी है, जैसे कोरोना आया था तो सरकार के पास खाते थे तो सबके खातों में पैसे डाल दिए, बहुत सारी चीज़ें कर सकती थी, तो वो पहुँचाने के एक तरीके होते हैं। और एक जो भी सांख्यिकी के रूप से हमें जानकारी चाहिए होती है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको रोजगार की आवश्यकता है, क्या काम कर रहे हैं, तो उनकी जानकारी हो जाती है। तो उनके लिए ई श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं। इस ई श्रम कार्ड का फायदा यह है कि आप अगर अपना कोई काम करते हैं या कोई मजदूरी करते हैं, उसमें दुर्घटना हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो उसमें बीमा होता है 2 लाख रुपये तक का, तो आपको चोट लगने पर या मृत्यु होने पर वो बीमा आपको मिल जाएगा। तो एक चीज़ ये है, एक योजना जो है वो हमारी प्रधानमंत्री मानधन श्रमयोगी योजना है, जिसमें कि पेंशन का प्रावधान है। तो इसमें पेंशन के प्रावधान में 18 से और 40 वर्ष तक का व्यक्ति कोई भी पेंशन का लाभ ले सकता है। अब इसमें हर आयु वर्ग के लिए एक राशि दी हुई है कि जैसे 18 वर्ष वाला 55 रुपये देगा, 19 वाला 58 रुपये देगा, 61 देगा, ऐसे टेबल बनी हुई है। इतने रुपये आप मंथली देंगे, जिस उम्र में जाएंगे उस उम्र के हिसाब से आप आगे तक उतने रुपये देते रहेंगे, तो उतना ही पैसा सरकार आपके उसमें जमा कराएगी पेंशन में। और ये पेंशन में जब पैसा जमा हो जाएगा तो आपको 60 साल के जब हो जाओगे तो आपको 3000 रुपये वार्षिक पेंशन गारंटेड रूप से मिलेगी। ये सरकार की योजना है, ये सामाजिक सुरक्षा की योजना है कि आदमी बुढ़ापे में पेंशन लेकर के और उसकी कोई आय का जरिया हो पेंशन के रूप में और वो सुरक्षित रहे। तो एक योजना ये है। एक योजना जो यहाँ है कि शहरी क्षेत्र में कई लोग अपना काम करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, तो इंदिरा गांधी शहरी वो क्रेडिट लोन योजना चला रही है, वो नगर निगम के सौजन्य से चल रही है। तो इसमें यहाँ आप ई मित्र के जरिए, यहाँ जैसे ई मित्र वाले आए हुए हैं, आप उसके जरिए नगर निगम में आवेदन कर सकते हैं। फिर ये बैंक देती है, बैंक ये ब्याज मुक्त लोन दे रही है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन ये बैंकों में जो कागजी पूर्ति है वो आपको करनी होगी, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो ये प्रमुख 3-4 योजनाएं हैं जिनका चल रहा है। बहुत सारी योजनाएं, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना है, आप उसका लाभ ले सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ जैसे कि अपने इंदिरा रसोई, बहुत सारी सरकार लोक कल्याणकारी योजना चला रही है। एक हमारे न्यायालय में भी कुछ योजनाएं हैं कि हमारे एक निःशुल्क विधिक सहायता की योजना है। आप हमारे जैसे कोई व्यक्ति है, अगर जो मुकदमा लड़ने में सक्षम नहीं है, उसको फीस देना फीस नहीं दे सकता, उसके लिए निःशुल्क विधिक सहायता योजना है। हमारे इसके लिए एक कानून बना हुआ है, उसकी धारा 12 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कोई भी महिला है, कोई भी 18 साल से कम उम्र का बच्चा है, कोई भी जेल में बने व्यक्ति है, कोई और okay।